हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और ये लोग के वीकेंड स्टार्ट हुए और कायरा के एग्ज़ाम ख़त्म हुए। इसके कल से ही पार्टी चल रहे हैं, इसकी ट्यूशन की छुट्टी, स्कूल का एग्ज़ाम ख़त्म, सिर्फ घर में मौज। और शिवाय का आज मॉर्निंग से पार्टी है ना सोनू? पापा ने क्या मंगाया आपके लिए? ओ माई गॉड, मैं दिखा दे। सुबह सुबह नाश्ते में कौन पिज्ज़ा खाता है सोनू? सोनू खाता है, पागल कैसा है? हाँ, एवरी सैटरडे खा रहा है कंटिन्यू। हाँ सोनू, टेस्टी है? वाओ। हे गाइस, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम माही है, इसका नाम कुणाल है भाई। आप सब लोग ने हमको पहले देखा ही होगा क्योंकि हम पहले मामी के चैनल में दिख चुके हैं। हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए हम आ नहीं पाए, इसके लिए आज हम आए हैं। तो मामी दो दिन रुकने वाले हैं, मामी ने बोला, मामी बहुत थक चुकी थी इसके लिए। मामी ने हम लोग के लिए नाश्ता भी बनाया आज, तो हम दिखा सकते हैं आपको। ये देखो, ये बनाया पोहा हम लोग के नाश्ते के लिए। हम लोग अभी सब खाने वाले हैं। ये रहा शिवाय, हम लोग का भाई। हाय कर, ये तो बस दिन भर फोन पे ही लगा रहते हैं। हाँ गाइस, और कुछ नहीं आता इसको। हाँ, वो देखो उधर एक पागल है, रुको रुको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पागल को दिखा दो, ये देखो देखो, बौखला गई। सो गाइस, अभी का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं पोहा खाने। और अब हम दिखाते हैं मेन कैरेक्टर जो है हमारे लीड रोल, मतलब रीड लीड रोल, अरे मतलब आपका ही चैनल ना। ये देखो, ये कौन है? बोलेंगे अंबिका श्रॉफ। कुछ तो लगाया जा रहा था चेहरों पे। जो भी छुपा चुका है। और वैसे भी माही ऐसे नहाती नहीं है, आज लॉक शूट करना था इसलिए नहाई है। मैं दो बार नहा चुकी हूँ गाइस, ज्यादा बोलता ही है। आज इसने नहाया ही नहीं, बारिश में भीगा नहाना। आज दो बार ये इसलिए नहाई है क्योंकि इसको यहाँ आना था। इसको पता था नहाई के नहा के बिना जाएगी तो बात से तब ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा है कि उसको चिढ़ाया जाता है, वरना माही मतलब अच्छे से रहती है। मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। ये भी बारिश से, हम गार्डन गए थे तो ये भी बारिश में भीग कर आई थी। सभी भीग गए थे आज। आज जब से हम लोग आए हैं, ये घर शिफ्ट किया है, सेकंड टाइम शिवाय और ये गार्डन गए क्योंकि हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता है। इस बिल्डिंग में तीन गार्डन है लेकिन जाने के लिए, ले जाने के लिए जिसके पास टाइम ही नहीं होता है। तो आज हम लोग खाए थे तो हम लोग शिवाय को और कायरा को गार्डन लेके चले गए। घर साफ करना था, शाम हो गई थी तो मैंने इन लोगों को बोला तुम लोग बाबू को लेके जाओ। ओके, तो आपने हम लोग के लिए नाश्ते के लिए क्या बनाया? पोहा की स्टोरी ये हुई कि मैंने बोले कि बच्चे लोग के लिए कुछ नाश्ता बनाया, तो मैंने बोला नहीं, तो बोले कि ठीक है मैं पोहा बना लेता हूं। ठीक है, तो बच्चे लोग को थोड़ा सा शायद ऐसा हो रहा है कि मामा, क्योंकि ये लोग को मेरे हाथ का पोहा पसंद है। अब आए हैं दो दिन के लिए, उसमें से अगर एक दिन हाथ का पोहा बिगड़ गया तो फिर वो दिन फिर वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैंने बोला ठीक है, मुझे शायद मैदान में उतरना पड़ेगा। तो ये मुझे सारी तैयारी करके दिया। और ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग ने मिस कर दिया मेरे हाथ का पोहा। अगर हम इनके हाथ का पोहा खाते गाइस तो हम पता नहीं, हम लोग को लूज मोशन लग जाता। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने को जितनी भी चीजें सिखाई है ना, नो डाउट नेक्स्ट टाइम मैंने अच्छा बनाते वो, लेकिन बच्चों को चांस नहीं लेना। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये हर चीज मेरे से अच्छा बनाती है। अच्छा, एक चीज और घटिया बनाती चाय। अब मुझे वो सबको बताए, इनको चाय नहीं है। और मैं सीधा बोलती हूँ, मैं किसी को भी चाय सर्व करती हूँ, भैया मुझे चाय बनाना नहीं आता। मैं सीधा बोलती हूँ मुझे नहीं आता। पॉइंट है, एक मिनट, पॉइंट, लोग चाय कितना पीते हैं, चाय का पेट भर के पीते हैं, बट मुझे जो चाय आप दोगे तो कैसा दोगे? मैं जैसा भी पीका मैं काम चला, लेकिन
पानी जैसा ऐसा काम चलाओ जैसा चाय बनाती है ना, मैं जैसा बनाती हूँ बच्चों का पेट भर जाता है, चाय बिस्किट खा लेते हैं, टोस्ट खा लेते हैं, ब्रेड बटर खाते, खाते हो कि नहीं खाते हो? बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं ना। मेरे हाथ की चाय पियोगे ना? मत पीना गाइस। कभी मैं थकी रहती हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम्हें ना अच्छा, जब तक बोलूंगी नहीं बनता मस्त एकदम मसाला चाय, अदरक मार के इलायची मार के ऊपर से मलाई मार। अच्छा इतना भी नहीं पीते, एसिडिटी हो जाती है क्योंकि ना सबको चाय हजम नहीं होती है। देखो गाइस ये देखो पड़ी हुई, चलो जो नाश्ता बनाया वो तुम लोग खाओ। और एक बात और बोलनी थी, बोलो गाइस। अरे फ्रेंड पगली, मुझे ये बात बोलनी थी कि माही कुणाल आज आए हैं, जो भी लोग न्यू है वो मेरा फर्स्ट वाला व्लॉग जाके देखना, कि इसी बच्चे लोग ने मुझे मोटिवेट किया था कि मामी व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो, स्पेशली ये कि बहुत ज्यादा व्लॉग्स वगैरह देखती है, तो इन लोग ने मुझे बोला मामी व्लॉग करो। तो हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस किया कैसे शूट करेंगे कैसे क्या करेंगे। कुणाल घर के बाहर जाके, वो बहुत ज्यादा शाय है ना, तो बाहर जाके वीडियो बना रहा था। ये बहुत तेज है वीडियो बनाने में, क्योंकि इसको पता है व्लॉग कैसे शूट किया जाता है। तो यही बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मामी आप रील अच्छा बनाते हो, आप वीडियो अच्छा बनाते हो, तो आप व्लॉगिंग भी करो। तो इन लोग की वजह से फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो ये बच्चे मुझे हर टाइम इंस्पायर करते हर चीजों के लिए, क्योंकि इनको इंस्टा यूट्यूब पे हर जगह लाइक आते हैं। जी आपने कोहे में नींबू मारा जी, मैं कुछ भूल जाऊं ऐसा नहीं हो सकता, आप ही भूलते हो। क्योंकि इनको यूट्यूब इंस्टा ये सब में बहुत ज्यादा लाइक आते हैं, तो अगर ये व्लॉग्स बनाएंगी तो और ज्यादा आएंगे, तो प्लीज इनको सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो मैंने क्या बनाया है, पोहा। फॉलो माय इंस्टा चैनल वगैरह वगैरह बोलना जरूरी होता है सर। हाँ तो मैंने लिंक डाल देती हूँ ना मैं। हाँ गाइस अभी तो पूजा किया था मैंने, पूजा कर लिया, मैं डेली शाम को सुबह मैं ही करती हूँ, हो गई मेरे भगवान की पूजा। और किसी ने मुझे बोला था होम टूर के लिए, तो मैं जल्दी वो होम टूर का वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं पोहा खाने के बाद। तो मैं घर पे थी काफी दिन से, मुझे पार्लर जाना था ओनली फॉर आईब्रो, ज़्यादा चीज़ों के लिए मैं जाती नहीं हूँ पार्लर, जो है घर में ही क्लीनअप वगैरह कर लेती हूँ। तो आज बच्चे लोग घर पे थे तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाकर आ जाती हूँ, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। तो शिवाय मेरे साथ है और मैं जा रही हूँ पार्लर। पार्लर मेरी सिस्टर इन लॉ का ही है, आज सैटरडे है ना, तो वीकेंड के टाइम पे ज़्यादा रश होता है, तो इसीलिए अभी मैंने उनको फ़ोन किया था कि आप पार्लर में ही हो ना, तो बोली कि हाँ, तो इसलिए अब मैं निकली हूँ और पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में, और मैं दिखाती हूँ पहुँचने के बाद। और जो लोग जानते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मतलब नियर बाय है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, मैं एड्रेस डालूँगी उनके पार्लर का। तो जो भी जाना चाहते हैं, यूनिसेक्स पार्लर नहीं है वो, ओनली फॉर लेडीज़, तो जो भी लेडीज़ वहाँ जाना चाहती है तो वो जा सकती हैं, मैं एड्रेस मेंशन कर दूँगी। तो जाती हूँ फिर, मिलते हैं आपसे। तो मैं पहुँच गई थी पार्लर, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है जिसका पार्लर है, अनुष्का नाम है इनका। तो अभी मैं बोर्ड का फ़ोटो मेंशन करूँगी, आप उसको स्टॉप करके एड्रेस देख सकते हो जूम करके। तो मुझे सिर्फ थ्रेडिंग करानी थी आईब्रो, तो ये मैंने फटाफट करा लिया, शिवाय सो गया था, तो फिर मैं ये करके निकल गई थी। तो हम लोग जाकर आ गए हैं और शिवाय रास्ते में ही सो गया था। मैंने आने के बाद खाना चढ़ा दिया, दाल राइस दिखाती हूँ मैं। अब बस बच्चे लोग को रात में खाना दूंगी और फिर सब खाएंगे सोएंगे। तो फिर ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।